रह्मार रह्मार रह्मार। hello viewers, we are going to talk about definitions of energy. if we see the another aspects of defining sort of energy in the body, in the person, in, with the help of which the person is able to do many things. so energy, mein, mental energy is well defined. Ke Uh, कायम रखता है कायम रखने से मुराद यह है कि बात को समझना बात को समझ के उसको प्रोसेस करना उसको रिफ्लेक्ट करना विद फुल एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्टूडेंट की एबिलिटी है कि वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखता है अपने आप को मेंटेन रखता है और ये यानी उसकी मेंटल एनर्जी है मेंटल कैपेसिटी है और का ये होता है कि बात किसी ने की हमने उसको उस तरह से सुना नहीं सुनने के बाद अगर किसी ने फिर एम्फेसाइज़ किया दैट यू रिफ्लेक्ट तो हमने रिफ्लेक्ट कर दिया और दैट वाज नॉट इन राइट डायरेक्शन तो इस तरह से मेंटल एनर्जी यह है तब बूस्टअप होती है जब हम uh, गौर से किसी की बात को सुनते हैं और हम अगर अपने आप को अपनी एनर्जी को बेहतर बनाना चाहते हैं या बच्चों को हम ये डायरेक्शन देना चाहते हैं तो मेक दैम दैट यू टू बी वेरी अटेंटिव अदर इज अबाउट और द टीचर इज़ टॉकिंग और वी पर्सनली इंटरेक्टिंग विद द अदर दर्सन तो हमें ज़रूर उसकी बात को पूरे गौर के साथ सुनना है और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा टू वट एक्सटेंट आई कैन रिफ्लेक्ट और अगर हम हैबिचुअल हों और से बात सुनने के तो हमारी जो मेंटल एनर्जीज़ हैं वो रिकनसाइल होती हैं वो डेवलप होती हैं मैक्सिमाइज्ड होती हैं इसी तरह कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं दैट इज़ वेरी रिलेटेड द माइंड पावर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसमें द पर्सन इज़ वेरी माइंडफुल और सेटिस्फाइड और वो अपनी जस्तजू जुस से अपनी जाती खाश से अपने आप को मुतमिन रखता है मसलन आ, उसका जो जो बिलीव्स हैं दट हाउ आई कैन डू दिस या हाउ आई कैन मेनटेन माई एक्टिविटीज़ या मेरी मदद कौन कर सकता है मैं किस से मदद मांगूँ तो ये उसके बिलीव्स हैं तो वो बिलीव्स उसके तब फर्म होंगे तब से होंगे जब वो अपने आप को इस डायरेक्शन में सोचता है और उसमें फिर वो रिफ़्लेक्ट भी करता है और अपनी एक्टिविटीज़ को उसी तरह से डिज़ाइन करता है और इस डिज़ाइन ऑफ़ एक्टिविटीज़ में आ, उसे बहुत सारी पावर्स एनर्जीज़ मिल जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को सेटिस्फाई रखे हुए है और वो ख़ुश है और खुश होने से उसकी जो फिज़िकल एनर्जीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं और इसमें जो टूल्स ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि वो इसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हैं यानी उसकी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं जो जिस पे से वो सेटिस्फाइड है जिससे वो बाक़ी लोगों से अप्रिसिएशन लेता है और जिन एक्टिविटीज़ के कर लेने के बाद वो उस पर प्रमोशन करता है अपने आप को सक्सेसफुल समझता है उसी पर रिफ्लेक्ट करता है और फिर खुद सोचता है सेल्फ़ टॉक करता है दैट आई एम सक्सेसफुल आई हैव डन वेरी वेल दैट इज रिफ्लेक्टिव और फिर वो रिफ्लैक्शन्स क्लेक्ट भी कर लेता है एंड गाट सेटिस्फाइड और इसमें तीन तरह की चीज़ें जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वट है ड्यूरिंग द डे एक्टिविटीज़ इसमें हम ये जज कर रहे होते हैं कि उसने सारे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो उसको रिकनसाइल करता है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है खुद सोचता है दूसरी बात यह है कि वो मेडिटेट करता है यानी अपने आप को मरकूज करके एक नुक्ते पर सोचता है और अपनी तमाम तरह की एबिलिटीज़ मेंटल एबिलिटीज़ फ़िजिकली और फिर जी आगे स्परिचुअल एबिलिटीज़ को कंसनट्रेट करता है तो मेडिटेट करने का मतलब यह है कि यानी बातों हम इसकी अगर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं यू क्लोज योर आइज यू सिट एट द प्लेस एट वेरी कंफर्टेबल प्लेस और अपने आप को रिलैक्स करें और थिंक अबाउट सिंगल नोशन पॉइंट और उस पर जब वो फ़र्द सोचता है तो दैट इज़ मेडिटेशन और थोड़े वक्त के लिए फिर ये स्पेन बढ़ता चला जाता है और उसमें एबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं और इसमें यह है कि प्रेंग इन ऑल सिचुएशंस ये क्या इससे होगा इससे यह है कि डॉक्यूमेंटेशन डेवलप होगी यानी पहले क्या हुआ अब क्या हो रहा है इसके बाद क्या होने के लिए वो प्लान कर रहा है और फिर यह है कि वो इसको कम्युनिकेट करता है दूसरे लोगों तक एंड उसको देख रहा होता है कि इसको हम हाँ, मैं किस तरह से यानी मुख्तल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता हूँ और उसमें अपनी तमाम तरह की जो एनर्जीज़ हैं ख़ास तौर पर जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसमें वो सेटिस्फाइड है वो काम करके वो सेटिस्फाइड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो ये सारी एनर्जीज़ को हमने मैनेज करना है और इसी से हमने अपने जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसको प्रोपिगेट करना थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस